हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पोस्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है। कैसे की गई है? वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का मजाक उड़ाने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश कमेटी इन पोस्ट को गंभीरता से ले रही है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की एक्स पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस ने इस पोस्ट को पूरी तरह से फर्जी बताया है और पोस्ट को लेकर कांग्रेस की तरफ से गुरुग्राम साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में कहा गया कि किसी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की फर्जी पोस्ट तैयार कर चुनाव में पार्टी और नेताओं को बदनाम करने की कोशिश यानी साजिश रची जा रही है। इसलिए पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा कांग्रेस में जिस प्रकार कुछ लोग उड्डा ने जो एक्स पर पोस्ट लिखा है उसमें कहा गया है कि हरियाणा में जिस प्रकार कुछ लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, आला कमान तक झूठी बातें पहुंचा रहे हैं, इनका हिसाब जरूर होगा। मैडम और उनका जो मीठा चमचा है, दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं अपने लोगों को टिकट दिलाऊंगा, तुम लोग देखते रह जाओगे। इस पोस्ट के नीचे 3 अगस्त की तारीख है और यह सुबह 9:50 दर्शाई गई। हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता यानी सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि एक हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता और जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वह निष्ठा पर उभर आए हैं। मेरे लिए मीठा जैसा शब्द का प्रयोग कर अपने संस्कारों का परिचय दिया है। अभी तो केवल आपको बैनर से हटाया है, अगर नहीं सुधरे तो जल्द पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिया जाएगा। दरअसल कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के पोस्ट वायरल होने के पीछे पार्टी की गुटबाजी को माना जा रहा है। कांग्रेस इस सेम 2 दड़ों में बटी है, एक गुट भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का और दूसरा गुट कुमारी सैलजा और सुरजेवाला का है। कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा खेमे की तरफ दिखाई देते हैं। हाल ही में इस गुटबाजी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई महासचिव प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग में देखने को मिली। इसमें सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान एक दूसरे पर भिड़ गए। बात इतनी बिगड़ गई कि दोनों के बीच तू तू मैं तक होने लगी। सैलजा ने उदय भान पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। दोनों की बहस के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि दोनों को बुलाकर अलग से मीटिंग की बात करते हुए मामला शांत किया। इसके बाद उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया को तलब किया। दीपक बाबरिया से वेणुगोपाल ने कहा कि दूसरे पक्ष की शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाए। इसके साथ ही हरियाणा की गुटबाजी को लेकर पूरी रिपोर्ट उन्हें जल्द देने की हिदायत दी। बने रहे चैनल के साथ में अगली वीडियो में। धन्यवाद।